लखनऊ कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चलीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नामी बदमाश और मुख्तार अंसारी का करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ढेर हो गया। बुधवार को संजीव जीवा लखनऊ कोर्ट परिसर में पेशी पर आया था। इसी दौरान वकील के लिबास में विजय यादव नाम का लड़का अदालत परिसर में दाखिल हुआ और उसने मौका मिलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करके संजीव को मौत के घाट उतार दिया। जिस रिवॉल्वर से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो भी अब खूब चर्चा में है। जी हाँ, इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चेक रिपब्लिक में बनी .357 बोर की अल्फा मैग्नम रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है। ये रिवॉल्वर करीब 6 लाख रुपए की बताई जा रही है, लेकिन भारत में इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है और इसका कारतूस भी काफी महंगा है, जो 1.5 से 2 हजार रुपए में मिलता है। इसका कारतूस इतना घातक है कि किसी को मौत के घाट उतारने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी है, लेकिन जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 6 गोलियां मारी गई थीं। सभी गोलियां पीठ के पीछे बाईं तरफ लगीं और शरीर के आर पार हो गईं। एक गोली उसके दाएं हाथ की उंगलियों को छूते हुए भी निकली। माना जा रहा है कि हमले के वक्त उसने अपने सीने पर हाथ रखा होगा और गोली उसकी उंगलियों को छूते हुए निकल गई होगी। वहीं उसके शरीर के आर पार निकली गोलियां ही 2 सिपाहियों, बच्ची और उसकी मां को लगी। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरोपी विजय यादव तक इतनी महंगी बंदूक और इसके कारतूस कैसे पहुंचे? पुलिस ने मौकाए वारदात से बरामद हुई रिवॉल्वर और कारतूस के खोखों की बैलिस्टिक जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हत्या में इस्तेमाल .357 बोर की अल्फा मैग्नम रिवॉल्वर आमतौर पर पंजाब और हरियाणा में ज्यादा मिलती है और इन्हीं 2 राज्यों में इसके शौकीन ज्यादा हैं। फिलहाल विजय यादव को ये रिवॉल्वर कैसे मिली और किसने मुहैया कराई, अब इसकी पड़ताल की जा रही है। इस घटना की जांच के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया है। SIT टीम को 7 दिन में मामले की रिपोर्ट देनी है। संजीव जीवा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था। वो हत्या, किडनैपिंग, उगाही और डकैती जैसे 24 मामलों में आरोपी था, जिसमें से 17 मामलों में वो बरी हो चुका था। संजीव जीवा फिलहाल 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।